व्योमद्याय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो विश्वात्मा विधिज विषया प्राश्य भोगांश्च विष्णां पश्चाच्चन्यान् स्वमति विभवा ज्योतिषाश्रयेण सूक्ष्मा सर्वानेकान् पुनरविष्णै स्वात्मनिष्ठायैव हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के आलाद शांति नामक चतुर्थ प्रकरण पर विचार चल रही है। कल जो है मैंने पहले शुरू से ही किया था, आज इतना पीछे नहीं जाऊंगा। आज आवाज़ कम हो सकता है क्योंकि इस समय नदी की आवाज़ भी है, गाड़ी की आवाज़ भी है। तो आज जो है ये जागृत जो है स्वप्न स्वाप्निक वस्तु जैसा मिथ्या होता है, जागृत प्रपंच भी जैसा दिखाई दे रहा है ये भी ऐसे ही मिथ्या ही है। परंतु हमको प्रतीति क्यों नहीं होती? जिस प्रकार स्वप्न काल में स्वाप्निक वस्तु सत्व ही दिखता है, ठीक इसी प्रकार की माया निद्रा में सोए हुए हम जब तक बाहरी वस्तु के प्रति आकर्षण और सत्यत्व तो बुद्धि है तो जगत सत्य ही दिखेगी। परंतु जिस प्रकार जब हम आत्मा के प्रति जग जाएंगे, जब हम माया निद्रा से ऊपर उठ जाएंगे तब क्या हो जाएगा? तो धीरे 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 जगत संबंधित सत्यत्व बुद्धि और इसके जो प्रयोजनीयता कुछ भी हमारे लिए नहीं रह जाएगा। एक एक करके कई चीज़ वहाँ पर हमारे मन को कार्य का कार्य बताया गया कि स्वप्न मिथ्या के पीछे जो भी हेतु होता है, स्वप्रयोजनीयता एक वस्तु की जो स्वप्न में जो प्रयोजन सिद्ध करता है जागृत में नहीं करता, जागृत में जो सिद्ध करता है स्वप्न में नहीं करता। इसलिए जागृत वस्तु स्वप्न को व्यभिचार करता है, स्वाप्निक वस्तु जागृत को व्यभिचार करते, इसलिए दोनों ही मिथ्या है। और दूसरी क्या है, दृश्यत्व रूप धर्म समान होने के कार्य ग्राह्य ग्रहण भाव, ये दोनों में हमें समान है, स्वप्न में भी जागृत में भी। अब जो है जागृत, अब हमारे यहाँ पे अंतिम जब प्रकरण में अब हमारा माया निद्रा से जागने के बाद, माया निद्रा से जागने से पहले हम जितना मायिक वस्तु के साथ व्यवहार करते थे, माया निद्रा से जगने के बाद उन मायिक वस्तु के साथ व्यवहार भी नहीं चाहते, एक नंबर। दूसरी बात क्या है, जो हमने सोचा था कि ये करूँगा माया मतलब ये साधना भी करके, वो भी जो है अपने स्वब्रह्मचारी गुरु के साथ वो भी जब जग जाते हैं मतलब क्या होता है, तब लगता है कि अरे ये सब वृथा ही, मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, पहले से ही मुक्त हूँ, ये मुक्ति कोई साध्य वस्तु नहीं है, मुक्ति सिद्ध वस्तु है। इसलिए फिर जो है वहाँ पे दूसरा अयुक्त देश अयुक्त काल अनुपयुक्त परिस्थिति के कारण जहाँ पे दिखाई देते वही वस्तु मिथ्या होते हैं, वो हिरण्यगर्भ की मतलब विराट पुरुष के शरीर में दिखाई दे रहा है इसलिए मिथ्या है। और काल जैसा हम एक क्षण में पहुँच जाता है यहाँ से लेकर के कितनी दूर तक, परंतु आपको यथार्थ काल नहीं है, कि इसी प्रकार से ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी कोई काल की आवश्यकता नहीं हो तो नित्य प्राप्त वस्तु होते हैं। अब जग जाने पर फिर उनको पता लग जाए सब गति आ गति भी कुछ पारमार्थिक नहीं है, जो अपने दोस्तों के साथ हमने वार्तालाप की थी वो भी कोई सही नहीं है, जो भी वस्तु हमने ग्रहण किया था कि अपना समझ करके उसमें भी समझ जाते हैं कि अरे शरीर के लिए ग्रहण किया था, आत्मा के लिए तो इसकी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, आत्मा नित्य होता है। हम लोग कौन सा फर्क है 35 वाला था, 35 जो है एक साथ मिलकर के श्लोक को पढ़ेंगे। मित्र सम्बुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किञ्चित् प्रतिगृहोर्न पश्यति। अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ, जैसे कल रात हमने एक स्वप्न देखा कि मुर्गन आया था हमारे साथ, हम लोग बैठ कर के सत्संग कर रहे थे, गए थे कि नहीं गए थे अंकल? कल आप नहीं गए थे रात में हमारे पास? हाँ नहीं आए थे, हमने तो देखा अब आए थे।
मान नहीं रहे थे, और हम भी कुछ बम नहीं मानेंगे, तो मजाक से बोल रहे हैं, क्योंकि नहीं वो ध्यान दो सपना था। इसके अनुभव है कृतम जापि जब किंचित, जब भी कोई वस्तु ग्रहण भी हुआ था वो प्रतिभूत न पश्यति, जागने के बाद जो है वो उसको नहीं दिखाई देते उसको, तो उसको लेकर के देखिए यहाँ पे कल हम लोग इसका पढ़ रहे थे, टीका पढ़ रहे थे, थोड़ा सा टीका बचा हुआ था। अत मुमुक्षुत्तम श्रवणादि कर्तव्य तथा भ्रांति ही भ्रांत्या एव इत्यादि, इसलिए जो हमारे अंदर षट संपत्ति अथवा अनुबंध चतुष्टय फिर जो है साधन चतुष्टय ये सब जो हम लोग अपना कल्पना करते हैं वो अज्ञान दशा की स्थिति है। किंच स्वप्नवत एव गृहीतम उपदेश आदि विद्या न पश्यति, जिस प्रकार स्वप्न में कोई कहते हैं कि मैंने कोई उपदेश दिया वो दिया, ठीक है कहीं एकादि व्यतिक्रम हो सकता है कि सच्चाई भी अच्छा हो सकता है मान करके चलते हैं, परंतु साप्निक वस्तु सामान्य रूप से वो मिथ्या ही माना जाता है। जगने पर बुद्धिमान व्यक्ति उसको सच नहीं मानते हैं, और तत्सत्य फल अभाव, अच्छा फिर वो जो वस्तु को आपको मिला था उससे जो फल मिलना चाहिए था वो फल भी आपको नहीं मिलता है। किंच स्वप्नवत एव गृहीतम उपदेश आदि विद्या न पश्यति, है ना, जो भी उपदेश हमने ग्रहण किया था ये 8 नंबर टिप्पणी पढ़ ली थी, विद्या न पश्यति विद्वान गृहित उपदेशादि स्मरण अभाववान इसको, वो ज्ञानी पुरुष मतलब जिसका तत्व ज्ञान हो गया उस व्यक्ति के लिए जो भी उपदेश आदि का ग्रहण हुआ था उसका उसके स्मरण की अभाव वाला हो जाता है। क्यों तत्शब्द फल अदर्श अदर्शित्वा, उस प्रकार उपदेश द्वारा जो भी कुछ साधन किया था और उसका फल उसको नहीं दिखाई देता, किंतु फल तो सिद्ध वस्तु है, तत्शब्द फल अदर्शित्वा स्वप्न गृहित उपदेशादि अस्मर्तृ देवदत्वादिवत, स्वप्नों में उपदेश दिया जिस प्रकार कोई व्यक्ति उसको स्मरण करने वाला देवदत्त के समान, है ना, स्वप्न गृहित उपदेश आदि अस्मर्तृ देवदत्वादिवत, स्वप्न में गृहित जो उपदेश हुआ था उसको नहीं स्मरण करने वाले देवदत्वादि के समान, मतलब हमारे जगत में जैसे हम लोग करते हैं इति अभिमत, इस प्रकार के जो अभिप्राय यहाँ पे अनुमान करता समझा जा सकता है। विद्वान न अभ्यस्यति इति भाव, ज्ञान होने के बाद विद्वान फिर उसका अभ्यास नहीं है, जिसके लिए अभ्यास कर रहा था वो सिद्ध हो गया, फिर उसका अभ्यास करने का आवश्यकता नहीं। एक महात्मा थे, वो लोगों को तो बोलते थे कि आप ये करो आप ये करना चाहिए वो करना चाहिए, और दूसरे को तो दिखते ही कुछ नहीं बोलता, दूसरे को करता और अपने आप हमको बोलते हैं कमरे बंद कर रहे, तो शिष्यों ने क्या क्या बोलते हैं देखेंगे क्या करते हैं। तो वो एक दरवाजा में एक छेद कर दिया, एक बार छोटा सा छेद कर, और फिर जो है बार 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 में आके देखते हैं कि क्या करते हैं, वो अपने में बैठे रहता है कुछ होता है कुछ। मंदिर में शाम के समय जो शंख वादन घंटे आते हैं ना, तब उठ कर खड़ा होकर के एक बार हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं, अब फिर बैठ जाते हैं और कुछ नहीं करते। तो शिष्य ने एक पूछा, एक बार आप तो दिन भर कुछ नहीं करते चुपचाप पड़े रहते हैं, फिर जब नहीं करते तो शाम को जब शंखा वादन आता है तो उस समय उठ कर हाथ क्यों जोड़ते हैं। तो मैं नहीं करता हूँ, शरीर अपने पुराने अभ्यास बस भूल जाता है खड़ा हो जाता है करता है कुछ समझ नहीं, इसलिए यही होता है विद्या न अभ्यस्यति। ये नहीं उसके मन में ये भावना नहीं रहता कि मैंने ऐसा किया पूजा किया देवता ने किया उसको फिर अभ्यास करना चाहिए, ये भाव नहीं रहता उनके अंदर, शरीर अपने पुराने अभ्यास से उठ करके खड़ा होकर के अपना करता रहता है। ये जैसे भगवत गीता में भगवत श्री कृष्ण क्या होते हैं, नहीं मैं किंचित करोगी थी युक्त मन नहीं तत्वी पश्चन श्रीवान सिंहन स्मन गच्छन सफर चतर, कितना गिनाया वहाँ पर कुछ भी नहीं करता, पलक झपना भी नहीं करता, वो मुझ में नहीं और देखता रहता है। तो इसी के हमें बोलते हैं न अभ्यस्यति विद्वान इति भाव, ही उसके अंदर भाव है। 8 नंबर तत्साध्य तत् उसके द्वारा साधन के द्वारा जो फल प्राप्त होता है उस फल का अभी उनको प्राप्त अभी कुछ फल नहीं है, फल नहीं चाहिए इसलिए उसका मन हो जाता है। इसको कहते हैं गृहीतम चिकिंचित प्रतिबुद्ध न पश्यति, ये श्लोक की प्रतीक है। ये प्रतीक कहाँ के लेंगे, श्लोक की प्रतीक, पहले जो गृहीतम च ये है ना, इस श्लोक की प्रतीक है गृहीतम च यद किंचित प्रतिबुद्ध न पश्यति, जो भी कुछ उपदेश ग्रहण हुआ था अथवा किससे कुछ मिला था जब जग जाते हैं। अब देखिए जगने की बात सामान्य मैं बोलता हूँ, अब व्यवहारिक जीवन में देखिए हमारे पर जिस समय हम घर बार नहीं छोड़े थे उस समय जिस वस्तु को हमको अच्छा लगता था हम अपने पास रखते थे, जिस दिन मन में इच्छा हुई कि नहीं नहीं ये भगवान के लिए जाऊँगा तो वो सब वस्तु क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा,
आप अपने आप उसको छोड़ करके सब कुछ वहीं पे छोड़ दे, सोचे भी नहीं कहाँ जाएगा क्या करे किस, कुछ नहीं, हमारा आवश्यकता नहीं है, पर रहा है जिसका आवश्यकता होगा होगा, तो जिसको लिया लेगा। मैं तो मेस में रहता था हमने से पहले, तो दिमाग में आया ही नहीं कि किस काम में आएगा क्या होगा, कुछ नहीं, बस अभी तो तपस्या करना भगवान का। अब जब मतलब हम जिस समय हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं, उस समय को जो पुरानी चीज़ के साथ कुछ जो भी हम अभ्यास किया था, जो वस्तु था कि गृहतम जापित कि जो भी कुछ ग्रहण हुआ था प्रतिबुद्ध, तो जगने के बाद न पश्यति, उसकी कोई उपयोगिता नहीं देखता, कोई भी उपयोगिता नहीं देखता। इसीलिए बोलते हैं यहाँ आगे और भी बोलते हैं भगवान गृहतम, जो ये प्रत्येक श्लोक की प्रतीक है, अथवा लोक दृष्टा। आप देखिए दो है, एक है पारमार्थिक दृष्टि, एक है लोक दृष्टि। लोक दृष्टि में जीव व्यवहार सामान्य व्यक्ति को अंदर तो नहीं दिखेगा, उनको बाहर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाएगा उनको। अथवा लोक दृष्टा जत किंचित घृतम वस्त्र अन्न उतक आदि तद विद्वान नैव किंचित करमेति प्रतिबुद्ध अन्य प्रत्ययवाधा न स्वसंबंधितेन अधिगच्छति। अथवा वैकल्पिक बोल रहे हैं, पहले पारमार्थिक ज्ञानी के दृष्टि से बोला, और वैकल्पिक व्यवहार दृष्टि को लेकर के बोल रहे हैं। व्यवहार दृष्टि में लोग कैसे देखते हैं, लोक दृष्टिया सीधे कॉमन पैरेलेंस जो हमको दिखाई पड़ता है लोक दृष्टि से, जब किंचित गृहतम किसी ने कुछ दिया उसको ग्रहण के दिखाई पड़ता है लोगों को, है ना, गृहतम क्या क्या वस्त्र अन्न उदक आदि, जिस प्रकार भोजन के लिए जाते हैं अथवा कोई क्षेत्र में कोई वस्त्र दिया संविधान के लिए जो भी किया गया तद विद्या नहीं किंचित करो मैं, तो विद्या कैसे सोचते आत्मा में ये सब कुछ भी क्रिया नहीं है, नहीं वो किंचित करो में लोग क्या देख रहे हैं, वो तो खा भी रहा है पी भी रहे हैं वस्त्र परिधान कर रहे हैं, और अब के क्या जानते हैं इस शरीर अपने उपयोगिता के हिसाब से व्यवहार करते हैं, आत्मा में कोई हाँ इतना ही मात्र है, आत्मा के सन्निधि मतलब चेतन की विद्यमानता के बिना जड़ में कोई क्रिया होना संभव नहीं है, इतना मात्र है, मतलब चेतन की उसमें कोई भी क्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल विद्यमानता मात्र है, इसलिए नहीं वो किंचित करो में प्रतिबुद्ध। इस प्रकार से जो व्यक्ति जाते अन्न प्रत्यय बाधा मतलब क्या हो जाएगा, अब अपने व्यवहारिक प्रत्यय से ऊपर उठ करके आत्म अन्न प्रत्यय मतलब जो व्यापकता की शुद्धता की पूर्णता की जो अपनी बोध है उसके द्वारा उस परिच्छिन्नता में आत्मबुद्धि तो वो बात हो जाने के कारण उस परिच्छिन्न शरीर से जो व्यवहार हो रहा है वो उसकी दृष्टि में जो है शरीर सही नहीं है, हो रहा है ठीक है प्रारब्ध के कारण अथवा पूर्वाभ्यास के कारण, जिस पर महात्मा उठ करके थोड़ा कार्य वगैरह करना उसका कर लेते अभ्यास के कारण कर रहे हैं, परंतु उसके जो है इसके साथ कोई तादात्म्य होता नहीं है, तो इसलिए बताते प्रत्यय न स्व संबंधित तेना अधिक अच्छी, इसके साथ मेरा संबंध स्व संबंधित हमारे साथ संबंध है, इस प्रकार से कभी भी संबंध न अधिक अच्छी नहीं समझते रहे, नहीं समझते वहाँ पर तीन टिप्पणी 9, 10, 11 है, 9 नंबर टिप्पणी बताए तद विद्वान नहीं वही विद्वान गृहित वस्त्रादि विषयक ससंबंधित दर्शन अभावान, सब एक के बाद एक टिप्पणी बोल रहे हैं, देखिए मतलब अनुमान के शब्द में बोल रहे हैं, वो विद्वान पुरुष गृहित वस्त्रादि विषयक ससंबंधित दर्शन अभावान, जो भी कुछ वस्त्र अन्न उदक आदि आपने ग्रहण किया उसके साथ हमारा संबंध है, इस प्रकार संबंधित करने वाला उससे अभाव वाला है, अभाव वाला है विषयक संबंधित दर्शन, उस प्रकार संबंध का दर्शन का अभाव वाला है। इसमें एक चीज और भी आप समझ सकते हैं, या आनंद गिरी जी ऐसे उपनिषद की जो उपखात भाष्य उसके ऊपर बोलते हैं, साधु को तो अपनी कौपिन के ऊपर भी कोई ममत्व बोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप शरीर नहीं है शरीर को मिथ्या मान लिया, उस मिथ्या वस्तु कैसे रक्षा होगा उसके चिंतन और उस वस्तु संबंधित जो उसके प्रति भी जो है किसी प्रकार ममत्व बोध नहीं होना चाहिए, ठीक है तो है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं, तो क्योंकि शरीर भाव से ऊपर उठना है, और जब कभी भी आपको लगेगा कि अरे ये जो मतलब मन में शरीर के लिए वातावरण व्यवहार मतलब हम उतना समय के लिए हम शरीर की सत्ता का आज उसको निषेध नहीं किया, हम कालिका करते बोलते चरा चरण के तस् यति यादृच्छिको भवे, पूर्ण पूर्व अभ्यास के अनुसार आपको जो भिक्षा टनाली में जाना है वो भी लगती है, आप इसके लिए निषेध नहीं है, आप अपना कुटिया में कपड़ा कुपड़ा उतार के पड़े हुए हैं परंतु बाहर जाते समय थोड़ा बस्ते पड़े व्यवहारिक मर्यादा को रक्षा करने के बाद परिधान कर लेते हैं, इसके लिए निषेध नहीं है, शास्त्र ने निषेध नहीं किया इसका, क्योंकि चराचर निकेत हमारा दो आश्रय है, एक चर निकेतन एक अचर निकेतन, चर निकेतन हो गया शरीर, अचर निकेतन हो गया पूर्ण व्यक्ति, हम चर निकेतन में जब आते हैं क्योंकि ज्ञान मतलब यही नहीं कि मूर्ख हो गया, व्यवहारिक मर्यादा को रक्षा करके चलते हैं,
इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं द्वय में किंचित प्रतिबुद्ध जो अन्न प्रत्यय बाधा न संबंध अधिकच्छते। नौ नंबर टिप्पणी विद्वान गृहित वस्त्रादि विषय का जो भी वस्त्रादि वस्तु को ग्रहण किया स्व संबंधित उसके साथ अपनापन नहीं था। हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, ईश्वर सृष्ट जगत हमारे लिए बंधन के हेतु नहीं है। हमारे लिए बंधन के हेतु क्या है? जो मनोराज्य हमारे बंधन के हेतु संबंध कर लेते हैं, ममत्व बोध कर लेते हैं, उतना ही बंधन। वो कहीं बंधन नहीं करता, व्यवहार नहीं करता, नहीं बोल रहा यहाँ पे संबंध नहीं करता। व्यवहार तो पहले से जैसा चल रहा था चल रहा है, परंतु कोई संबंध नहीं करता। ये मेरा ये भावना कभी भी मन में नहीं होता, ठीक है ईश्वर की है अथवा जयस की है उसकी है, हमारे कोई संबंध नहीं है। स्वसंबंध दशम भगवान स्वभिन्न तदर्शित अभाव स्वभिन्न। दूसरा क्या बोलते हैं? दूसरा तो बोलते हैं अपने से भिन्न करके संसार में कोई भी वस्तु नहीं दिखता। हम किस वस्तु को चाहते हैं? हमसे हमारे पास नहीं है और ये हमारे लिए उपयोगी हो, इस प्रकार की वस्तु की हमारी मन में इच्छा होती है। परंतु अपने से भिन्न, क्योंकि अपनी व्यापकता को समझ जाने के कारण हमसे भिन्न करके संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। तो जैसे हम अपने हाथ को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं करते हैं, अपने पैर को साथ व्यवहार का कोई इच्छा नहीं करता, अपने आप क्या होता है। दूसरा हेतु बोलते हैं स्वभिन्नत्वेन, जो अपने से भिन्न करके अन्न वस्त्र वशस्त्र कुछ भी हो स्वभिन्नत्वेन तद्दर्शित्व भवात्, वो है वो वस्तु हमसे भिन्न है, इस प्रकार से नहीं देखता, इस प्रकार से नहीं देखता। इसलिए बोलते हैं स्वभिन्नत्वेन तद्दर्शित्व भवात, ये हो गया अन्वय दृष्टांत दिया। व्यतिरेकेन स्वसंबंधितेन घटादि दर्शी देवदत्वादिवत इति अभिमत प्रयोग अत्र बोधव्य। इस लाइन को पढ़ो, ये द्वे नूतन जी इस टीका इस टिप्पणी के लाइन को पढ़िए। व्यतिरेकेन व्यतिरेके व्यतिरेके स्वसंबंध एक अन्य दृष्टांत या व्यतिरेक दृष्टांत देना, व्यतिरेक देना व्यतिरेके स्वसंबंधित्वेन घटादि दर्शी देव दर्शी यदि वहाँ पे दर्शी में रेफ होगा फिर आगे आकार होगा तो राह होना चाहिए था। समझ मारा है क्या बोल रहे? दर्शी दर्शी विषय क्या है वहाँ पे दर्शी अन्न फिर वहाँ पे एक आपका आकार की मात्रा है, आकार की मात्रा काट दो नहीं है। आपको पंक्ति कौन सा लग रहा है? जहाँ है बोलिए स्वसंबंधितेन घटादि दर्शी दर्शी देवदत्वादिवत हो गया व्यतिरिक्त दृष्टांत। अरे अन्वय दृष्टांत तो ज्ञानी को लेकर के दे रहा है, व्यतिरिक्त दृष्टांत तो सामान्य व्यक्ति को लेकर के दे रहा है। इसलिए हमें बोलते हैं हमारे पुस्तक में एक आकार की मात्रा दिखाई दे रहा है, मतलब दर्शी के बाद दर्शी इकार की भी है आकार भी है, ऐसा नहीं है वहाँ। अब तो ठीक है तो हो नहीं सकता कि व्यतिरेके स्वसंबंधितेन घटादि दर्शी देवदत्त व्यतिरिक दृष्टांत दे रहे हैं। अन्वय दृष्टांत में क्या दिया? ज्ञानी को भी अन्वय दृष्टांत में रखा, क्योंकि विद्वान विद्वान को हम स्वशब्द से लेना है। देखो विद्वान पक्ष में है ना, गृहित वस्त्रादि विषय को स्वसंबंधित दर्शन अभाव बने, स्वशब्द से क्या लेंगे वो विद्वान अपना स्व विद्वान को स्वशब्द से गौर करना होगा। दूसरे में स्वभिन्न तदर्शित्व अभाव स्व यहाँ पे विद्वान को लेना है। और जब व्यतिरिक्त बोले अन्वय दृष्टांत हो गया, व्यतिरिक्त दृष्टांत से कहेंगे सामान्य व्यक्ति देवदत्त व्यतिरिक स्वसंबंधित घटाधिदर्शी अपने साथ घटाधिवे सामान्य व्यक्ति क्या करता है? मेरा घट है ये, मेरी पुस्तक है ये सामान्य व्यक्ति करते हैं उस प्रकार व्यतिरिक दृष्टांत। इसलिए बोलते हैं व्यतिरिक स्वसंबंधित घटा, क्योंकि व्यतिरिक दृष्टांत तो हमको अधिक मिलेगा और अन्वय दृष्टांत तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि संबंध करने वाला अधिक दिखता है, इसके साथ मेरा मन से संबंध नहीं है ऐसा समझना कठिन पड़ता है। इसीलिए ये तो मतलब इन लोग अपने आप अनुभव में किए होंगे तब ऐसा लिखे होंगे, और परंतु ये है कि सामान्य दोनों दिया अन्वय दृष्टांत देने के बाद व्यतिरिक्त दृष्टांत तो दिए रहे हैं। स्वसंबंधित घटादिदर्शी देवदत्तिवत अपने साथ संबंध करके देवदत्त आदि व्यक्ति अपने साथ संबंध करके व्यवहार करते हैं, और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? जब व्यवहार तो ऐसा ही दिखेगा परंतु उसका निश्चय रहता है इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। ठाकुर रामकृष्ण देव जी एक बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते हैं, कहते हैं अमीर आदमी के घर में नौकर आते हैं काम करने के लिए, छोटे बच्चा को सभी प्यार करते हैं, वो अपना का समझ के प्रेम करते हैं, पालते भी हैं, क्योंकि माँ बाप आजकल तो नौकरी करने जाते हैं, पालते हैं, परंतु उनके मन में दृढ़ निश्चय रहता है क्या
ये बच्चे ठाकुर जी का दृष्टांत तो ऐसा ही है कि नहीं, ऐसा दृष्टांत ठाकुर जी का ऐसा ही है क्योंकि ये बच्चा में निश्चय रहता है। फल तो क्या होता है, मन में कभी दुख नहीं, मन में कभी दुख नहीं, ये संबंध ही दुख का कारण है, ये ममत्व तो बोध ही दुख का कारण है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं घटादि देवदत्ति मदिति अभिप्रेत प्रयोगवत, यहाँ पे इस प्रकार के अनुमान को समझ लेना चाहिए। ये नौ नंबर टिप्पणी होगा प्रतिबुद्ध, प्रतिबुद्ध कौन होंगे, दस नंबर टिप्पणी मतलब इस प्रकार निश्चय करने वाला व्यक्ति निश्चयवान, इस प्रकार निश्चय करने वाला व्यक्ति निश्चयवत प्रतिबुद्ध वाला निश्चय प्रतिबुद्ध निश्चय वाला। फिर अन्न प्रत्यय बाधा, अन्न प्रत्यय, अन्न प्रत्यय मतलब क्या हो जाएगा, अन्न प्रत्यय बाधा द्वैत दर्शन से अभाव अप्रामाण्य निश्चयात्वा इति अर्थ। अन्न प्रत्यय क्या हो गया, द्वैत दर्शन नहीं है उनका, द्वैत दर्शन भेद दर्शन नहीं है वहाँ पे, अथवा प्रामाण अप्रामाण, इसमें कोई प्रामाणिक वस्तु नहीं है ये, क्योंकि भगवान भाष्यकार हमारा ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में स्पष्ट करके लिखा, जो भी कोई प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार होता है वो अध्यास करके ही होता है, अध्यास के बिना होगा ही नहीं। अब निश्चय हो गया इसलिए बोलता है कि अप्रामाण्य निश्चया, जागतिक वस्तु में प्रामाणिकता नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाने के कारण क्या होता है, वो जो पहले व्यवहार करता था वो बाधित हो जाता है, पहले सत्य करके व्यवहार करता था, अब क्या है व्यवहार तो होगा। इस प्रकार कोई व्यक्ति मरुभूमि में घूमने गया, और उसमें घूमने गया तो दूर में जलाशय देखा, वो सही समझा जलाशय देखने के, परंतु जब थोड़ी देर चलने के बाद कोई मिल गया तो बता दिया, गुस्सा दे भी, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, चकचिकता दिखाई देता है, परंतु क्या निश्चय रहता है मन में, वहाँ पे पानी नहीं है ऐसे देखने में ही है, कि जो है निश्चय वाणी निश्चय रहता है प्रतिबुद्ध निश्चय। अन्य प्रत्यय बाधा, क्योंकि दूसरा प्रत्यय के द्वारा बाधित हो जाने के कारण, सत्य प्रत्यय के द्वारा मिथ्या प्रत्यय बाधित हो जाने के कारण, इसलिए होता है द्वैत दर्शन अभाव, वहाँ पे जो है द्वैत दर्शन मतलब वो मेरी प्यास बुझा सकता है, ये भाव मन से निकल जाने के कारण वहाँ पे चाकचिक्यता दिखाई देने पर भी पानी की भाव नहीं उठती, ठीक इसी प्रकार अप्रामाण्य निश्चय, क्योंकि वो प्रामाणिक जल नहीं है ऐसा निश्चय हो जाने के कारण, वो प्राकृतिक जल है, प्रातिभाषिक जल है, प्रामाणिक जल नहीं है, वह इति अर्थ इसका भी प्रत्यय है। न संबंधित तेन अधिकर्षित, अपने साथ संबंध नहीं करता, तेन तद आभास मात्र एव इति आह, इसीलिए वो एक आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, उसी को मत। अब जो गृहितम आ रहे हैं ये गृहितम श्लोक की सेकेंड लाइन में है, दोनों जगह पे देखिए एक ही टीका में दो जगह पे प्रतिकार है, पहले में गृहितम च, यहाँ भी गृहितम च, पहले गृहितम च श्लोक का होगा और दूसरा गृहितम च भाष्य का होगा। गृहितम च यत् किंचित हिरण्यादि न अपनोति, जो भी कुछ स्वप्न में कोई वस्तु दिया था वो जो है वो अपना नहीं मानता, उसके साथ संबंध नहीं करता, नहीं ढूंढता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वप्न में तो वो वस्तु है मिलेगा ही नहीं, और जागृत में क्या मतलब ज्ञान की दृष्टि में कैसे देखेंगे, मतलब हमने ज्ञान से पहले जो माया निद्रा में सोए हुए थे तब उसको सच लग रहा था और ये मेरा ये बोध था, अब जगने के बाद क्या है वो सच नहीं है, मेरे साथ संबंध भी नहीं, ये निश्चय हो जाएगा। इसलिए तो बोलते हैं कि तेन तत् आभास मात्रम एव, इसलिए उसके लिए एक वस्तु आभास मात्र ही है, एवं इति आवश्यक मन में रखते कहते हैं गृहितम च, भाष्य का लिखते गृहितम च जत किंचित हिरण्य आदि, जो भी कुछ ग्रहण हुआ था, मान लीजिए जिस प्रकार भाष्यकारी दृष्टांत देते हैं, जो राजा थे ना हमारे श्रृंगेरी मठ के एक पीठाधीश्वर हुए हिरण्य मुनि, पहले राजा थे, तो एक राजा पहले तो कुंडली कमंडल सब रख लगाते थे, अब जब वो लगाते थे तब तो वो अपना मानता था, परंतु जब उसको छोड़ करके सन्यासी बन गया उसके साथ उसका तथा मतलब छूट गया, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई उनको मन में चिंता नहीं। ये दृष्टांत तो भी भगवान भाष्यकर ब्रह्म भाष्य में अध्यास भाष्य में लिखा हुआ है। आभाष्य मात्र में भी गृहितम च उक्तम अर्थम, टीका में उक्तम अर्थम विवक्षित्वा श्लोक अक्षराणि योजयति, जो ऊपर कहा गया है उसी को मन में रख करके श्लोक के अक्षरों को निश्चय करके कहते हैं भगवान भाष्यकर। मित्राधि तो अचने ये वाला भी जो गृहितम ये भी आपका श्लोक का ही होगा, क्योंकि अथवा करके बोला, जो दो प्रतीक है ना गृहितम च दो बार आया, एक बार एक अर्थों लेकर के बोला स्वप्नोबद्ध गृहितम उपदेश आदि वेदना न पश्यति तद्द फल अभाव, उसको फल पर दूसरा क्या बोला लोक दृष्टि से कुछ गृहित होने पर भी आत्मा में वो नहीं है ये निश्चय होने के कारण ही दूसरी, इसलिए ये भी श्लोक का ही गृहितम च, दूसरा बार भी जो आया हो ये भी श्लोक का ही होगा, परंतु दो प्रकार से अन्वय इस करके दिखा रहे हैं। ठीक
टीका का। और बाद में उक्तम अर्थम विवक्षिता श्लोक अक्षरणी जो देती, जिसको ऊपर कह करके आया इसी को बोलने की इच्छा से श्लोक के अक्षरों को भगवान भाष्यकर अन्वय करते व्याख्या करते, तब आया मित्रादेश सम्मंत्र तदेव मंत्रण प्रतिबुद्ध न प्रबद्धते। यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी है, मतलब मित्रों आदि के साथ जो सोचा था कि मेरे को ये करना है, मैं वो करना है, ऐसा करके साधन करने से मैं ये साध्य वस्तु को प्राप्त करूँगा, अब जो है सम्मंत्र सम्मक रूप से विचार करके उसे स्वकर्तव्य पर्यालोच्य। दो नंबर टिप्पणी, ये करणीय है क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, शास्त्र ने मेरे लिए कम विधान किया, इसलिए मुझे करना है। इस प्रकार विचार करके निर्णय करके उसको आलोचन करता था वो, अब वो नहीं करने पर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए स्वकर्तव्य पर्यालोच्य मतलब सम्मंत्र इसका अर्थ हो गया। ठीक है, आप जो है इसमें और कुछ नहीं है, 35 नंबर पूरा हो जाता है। ठीक है, और कुछ बचा है इसमें? 12 नंबर टिप्पणी नीचे है, देख लूंगा उसको। अच्छा, किंच टीका में देखिए, स्वप्नावस्थाया येन देहेन नाड्यादिषु पर्यटति स मिथ्या, पृथक भूतस्य निश्चलस्य देहस्य दर्शनात् तथा जागरिते येन परिव्राजकादि शरीरेण लोकस्य पूज्य दृश्य व दृश्यते सा मिथ्या कथ्यते। क्या भयंकर स्टेटमेंट लिख दिया, देखो आनंद गिरी जी क्या बोला। और भी देख लो, सापनिक वस्तु स्वप्न में क्या होता है, एक शरीर को लेकर कम व्यवहार करते हैं और एक शरीर बिस्तर में पड़ा रहता है। स्वप्न काल में एक शरीर को लेकर कम व्यवहार करते हैं, अपने कल्पित शरीर, कल्पित इंद्र, कल्पित सब, और वो मिथ्या ज्ञान से व्यवहार हो भी रहा है और एक दूसरा शरीर बिस्तर में पड़ा रहता है। अब जब हमने जग गया तब क्या होता है, ये जो हमारी जो अहम बुद्धि जिस एक सापनिक शरीर में हो रहा था वो क्या होता है, जागृत से माइग्रेट करते हैं, वो आत्मबुद्धि माइग्रेट करता है, पहले यहाँ स्थूल शरीर में करता है, फिर कहता है जो कल्पित शरीर है यहाँ पे छोड़ देता है आत्मबुद्धि, फिर वहाँ पे माइग्रेट कर जाता है, कहाँ पे, जो स्वप्नों में शरीर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अब जो है जग गया, आपने जग गया तो क्या हो जाएगा, ये सबका स्वप्न शरीर था। दृष्टांतों को आप दृष्टांत में घटाइए, आप स्वप्न अवस्था अज्ञान दशा में इसको अपना मान करके व्यवहार कर रहे थे, अब अपने जग गया, जगने से आपका क्या शरीर हो गया, व्यापक पूर्ण शरीर हो गया, जग गया तो ये शरीर क्या रह जाएगा, मिथ्या हो जाएगा, ये शरीर स्वाभाविक मिथ्या सिद्ध हो जाएगा, उसी को बोलता है किंच। और भी देखो, स्वप्नावस्थाया स्वप्नावस्था में ये न देहे न, जिस शरीर के द्वारा है ना नाड्यादिशु पूरी नाड़ीशु से, मतलब क्या होता है, जो जीव स्वप्न देखते क्यों हैं और कैसे देखते हैं, ये इसका वर्णन जो है, ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद के जो द्वितीय अर्थ है, अजत शत्रु ब्राह्मण, शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, कुछ मूर्तामूर्त ब्राह्मण, वहाँ पे ये जीव ये अपने इंद्रियों गोलोक में बैठ करके व्यवहार करते हैं। जब निद्रा के समय होता है तो इस इंद्रियों गोलोक में आने के लिए, हृदय आकाश तक जाने के लिए जो नाड़ियाँ हैं ना, उन नाड़ियों के बीच में से वो जाता है, और जो खाए पिए हुए अन्न शरीर के अंदर, अन्न केवल ये नहीं, केवल ये भोजन नहीं है, जो भी हमने आहार किया सात्विक राजसिक तामसिक, वो अन्न रस मिक्सित होकर के उसी नाड़ियों के अंदर से शरीर में संचारित होता रहता है, और जीव उसके अंदर से जाते हुए उस जो जिस कलर की वो वहाँ पे रंग के हिसाब से बोला महाराजा ने पांडवा भी कम, इस प्रकार लाल पीला काला, इस प्रकार मतलब सात्विक राजसिक तामसिक रूप में जो भी भाषण था, तद अनुकूल उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ करके वो स्वप्न देखता रहता है, और जैसे ही हृदय आकाश में पहुंचता है तो नाड़ी से बाहर आ गया, खुला जगह मिल गया उनको, तब क्या होता है, स्वप्न देखना बंद हो जाता है। स्वप्न क्यों देखते हैं, स्वप्न मतलब इंद्रिय गोलक में बैठ करके जो व्यवहार हम करते थे, उस व्यवहार करते समय ये एक ही जगह पे बैठ करके हम लोग अलग अलग बस एक ही वस्तु को देख रहे हैं, परंतु वस्तु को देखते हुए भी हमारी मनोवृत्ति के भिन्नता के कारण किसी को कोई वस्तु में अधिक आसक्ति, किसी कोई वस्तु में अधिक प्रीति उत्पन्न होता है, तद अनुकूल उसका आहरण हो गया, मन में वहाँ पे चला गया। अब जब जीव इंद्रिय गोलक की मत छोड़ करके जब हृदय आकाश में जाते हैं तब क्या होता है, उस नाड़ियों के अंदर से जाते हुए उस वासनामय राज्य के अंदर से जाते हैं ना, तो वो प्रोजेक्ट होकर के स्वप्न रूप में देखता है। इसलिए यहाँ पे बोला कि नाड्यादिशु पर्यटित, नाड़ियों के बीच में जाते, इसमें छोटा शब्द लिख दिया, परंतु कि नाड़ियों के बीच कौन जा रहा है, वो जीव, जीव जो है अपने को आत्मा नहीं, आत्मा तो व्यापक है, परंतु जीव जो इंद्रिय गोलक में बैठ करके व्यवहार कर रहा था, वो जब अपने को विथड्रॉ करके हृदय आकाश में जा करके सोता है, जाते समय हृदय आकाश में जिन नाड़ियों के माध्यम से इंद्रियों को साथ जुड़ा हुआ है उस नाड़ियों के बीच में जाते हैं,
अब उस नाड़ियों के माध्यम से आपने अपने आहरण भी तो किया, अब वो पक करके रसभूत अवस्था में है वो, और वो राजसिक सात्विक तामसिक भाव में विद्यमान है वहाँ पे, और वो जीव उसके अंदर जाते समय तद अनुकूल स्वप्न देखते हैं जब तक उस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट होता है। जैसे ही उसका हृदय आकाश में आ जाता है तब वहाँ पे पूरा जगह मिल जाता है, तब वो गहरे नींद में चला जाता है। अब जैसे कोई व्यक्ति ने कुछ शरीर में स्पर्श किया अथवा कोई इंद्रियों में कोई क्षोभ उत्पन्न हुई, इंद्रियों में कोई क्षोभ उत्पन्न किया, तुरंत चित्त की वो भाव जो अभी तक रिकॉर्ड कर रहा था, क्या रिकॉर्ड कर, अपने सुख की, वो रिकॉर्डिंग बंद करके अब डिलीवरी शुरू करते हैं। ये ऑटोमेटिक क्या भगवान ने बताया, देखिए जैसे हमारा जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, आत्मा अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, सारे इंद्रिय काम बंद कर दिया, उठ करके हम कैसे बोलते हैं कि मैं आनंद से सोया था, वो चित्त, चित्त एक ऐसा वस्तु है वो एक टेप रिकॉर्डर जैसा है, वो रिसीव भी करता है डिलीवरी भी करता है। वो उस समय जिस समय गहरी नींद में गए चित्त, उस समय क्या हुआ, वो आत्मा के संस्पर्श से उसको रिकॉर्ड कर रहा है, क्या स्वरूपानंद के रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति अजस्व ब्राह्मण पढ़ेंगे ना तुमको स्पष्ट होगा वहाँ, तो जैसे ही कोई अजस्व ने तो उसका शरीर में आपिश आपिश बोधयम चकार उसको जगाया था, तो क्या होता है त्वगेंद्रिय में क्षोभ उत्पन्न हुई। जैसे ही त्वगेंद्रिय में क्षोभ उत्पन्न हुई तुरंत क्या होता है, वो हमारी जो चित्त भूमि में जो रिकॉर्ड कर रहा था रिसीविंग पार्ट था वो बंद होकर के अब डिलीवरी करता है। डिलीवरी क्या करता है, वो मन को डिलीवरी करता है कि आपको त्वगेंद्रिय को कुछ छू रहा है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए घ्राणेंद्रिय काम किया था, अच्छे अच्छे भोजन बना करके ये किया था, और आवाज़ खूब भी किया उससे कुछ नहीं, कुछ ही कुछ आवाज़ करके आवाज़ सुनते जग जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर वो नाड़ियों के माध्यम से आकर के व्यवहार करते रहते हैं। परंतु किंच स्वप्नावस्था जिन देहन नाट्य आदि सुपर्यत समिता, वो पारमार्थिक नहीं है, पृथक भूतस्य निश्चलस्य देहस्य दर्शनात्, क्योंकि स्वप्न में जिस शरीर से व्यवहार कर रहा है उससे पृथक एक शरीर बिस्तर में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अपने भी आता है पृथक भूतस्य निश्चलस्य देहस्य दर्शनात जो दिखाई दे, ठीक ऐसा ही तथा स्वप्न में तो समझ में आ जाता है, ज्ञानी पुरुष अभी जग गया, अब उसके तथा जागृत ये न परिव्राजकादि शरीर न, देखिए अब क्या है परिव्राजन का नशन्न से है, जिस शरीर से परिव्राजन कर रहा है ये न परिव्राजकादि लोकस, अब लोक दृष्टि से क्या हो जाएगा, चाहे पूज्य होगा चाहे दृश्य होगा, कहीं गाली भी मिलेगा कहीं माला भी मिलेगा खाना भी मिलेगा, पर दोनों अवस्था में बा दृश्यते सा मिथ्या कथ्यते, उनकी दृष्टि में ये दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि ये शरीर मेरा शरीर नहीं है, मैं तो अशरीरी हूँ, पूर्ण व्यापक हूँ, जग गया ना भी हो अशरीरी व्यापक अवस्था में आने के कारण क्या होता है, परंतु शरीर से व्यवहार हो रहा है और व्यवहार मिथ्यत्व निश्चय है, सत्य निश्चय कभी नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जब किंच स्वप्नावस्थायां जेन देहेन नाडीषु पर्ययति समित्था पृथक भूतस्य निश्चलस्य देहस्य दर्शनात्, क्योंकि उससे भिन्न एक शरीर शरीर बिस्तर में दिखाई देने के कारण, तथा ठीक इसी प्रकार ये दृष्टान्त हो गया, अब दृष्टान्त तथा अब आप जगे हुए हैं, जागृत अवस्था में दो शरीर है आपका, एक हो गया जिस शरीर पर्यटन करने वाला पांच भौतिक शरीर, और एक शरीर हो गया अचरणिकेतन जो व्यापक पूर्ण शुद्ध शरीर, उसको बोलते हैं तथा जागृत ये न परिव्राज परिव्राजकादि शरीर न लोकस्य पूज्य दृश्य व दृश्यते, होते हैं लोग कहीं पूजा भी करेगा कहीं भी गाली भी देगा, पागल कहाँ से आ गया भी मार भगाओ यहाँ से, ऐसा भी सुनने को मिलेगा, तो दृश्यते स मिथ्या कथ्यते उसका मिथ्या रूप में कहा जाता है। वहाँ पे स बोला ना, स से क्या लेंगे, देखो टिप्पणी का स परिव्राजकादि शरीर इति अर्थ, शरीर शब्द जो है वो अर्चाधिकरण में आया है, अर्ध अर्धत्वाधिकरण में आया हुआ है, उसमें कुछ ऐसा ऐसा शब्द है जिस प्रकार वज्र तीर्थ शरीर मंड पीयूष देह फिर अंकुश कुशल कलश सूत्र, ये जो कुछ ये गण है, ये वो गण में आए हुए शब्द क्या है, वो दोनों लिंगों में प्रयोग होता है, पुलिंग में भी और नपुंसक लिंग में, शरीर देह ये शब्द दोनों लिंग में प्रयोग होते हैं। स्व स्व कौन सा लिंग में प्रयोग किया, पुलिंग में, कि प्रतिपदिक क्या है इसका, तत् तत् का पुलिंग में प्रतिपदिक स होता है और उसका न्यूट्राजन तत् और श्रीलिंग में सा, तो यहाँ पे टिप्पणीकार बोलते हैं बारह नंबर स इति परिव्राजक आदि शरीर, शरीरम नहीं बोल रहे हैं सब पुलिंग में प्रयोग किया शरीर इति अर्थ, अरे शरीर तो न्यूट्राजन में प्रयोग होता है, बोलते नहीं अर्धर्चवा पुंक्षी च इति पुंक्षतम, ये दो चार 2431 माननीय सूत्र है, ये 2431
उसमें क्या बोलते हैं, अर्धचर्य गण में आए हुए शब्द, अर्धचर्य गण में आए हुए शब्द दोनों लिंग में प्रयोग होता है। उस गण में आए हुए शब्द को समझे, ब्रज तीर्थ शरीर मंडप पीयूष देह कुश कलश सूत्र पात्र आदय, ये सामान्य में नपुंसक में प्रयोग करते हैं, विशेष पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। पृथक एव, ये जो मतलब दोनों शरीर की पृथकता को दिखा रहे हैं, पृथकता पृथक एव ऊटस्थ ब्रह्म आख शरीरस्य अनुभवादिति आह। ये देखिए क्या हुआ, उनका वेदनान पुरुष का क्या अनुभव होता है, ऊटस्थ ब्रह्म मान व्यापक जो ऊटस्थ शरीर है उस शरीर से इस शरीर को पृथक दिखाई देता है, इसलिए होता है ऊटस्थ ब्रह्म आख शरीरस्य अनुभवादिति आह। अनुभव से क्या होता है कि अलग है, ये उनका मन में निश्चय रहता है। अब जो है श्लोक में आए, स्वप्ने चावस्तुकः कायः, स्वप्ने चावस्तुकः कायः, पृथक् अन्यस्य दर्शना, पृथक् अन्यस्य दर्शना, यथा कायस्तथा सर्वं, यथा कायस्तथा सर्वं, चित्तदृश्यमवस्तुकम्, चित्तदृश्यमवस्तुकम्, स्वप्ने चावस्तुकः कायः, पृथक् अन्यस्य दर्शना, यथा कायस्तथा सर्वं, चित्तदृश्यमवस्तुकम्। स्वप्न में ये कायः अवस्तुक जो शरीर दिखाई पड़ता है वो पारमार्थिक नहीं है, अवस्तुक है। स्वप्ने काय अवस्तुक क्यों हेतु दे रहा, पृथक अन्नस्य देहस्य दर्शनात्। पहले में क्या बोला, स्वप्ने काय अवस्तु को, स्वप्नों में जो शरीर दिखाई पड़ता है वो पारमार्थिक नहीं है। चकार तो स्वप्न एक मिथ्यात्व को निश्चय करने के लिए जोड़ने के लिए एक एक करके चकार जो वहाँ पे आया हुआ है, जो ऊपर से रीजनिंग देते आ रहा है, अनदर रीजन, वन मोर रीजनिंग। स्वप्ने च अवस्तु का काय ये प्रतिज्ञा है, स्वप्नों में शरीर पारमार्थिक नहीं होता। हेतु क्या दिया, पृथक अन्नस्य दर्शनात्, क्योंकि दूसरा शरीर बिस्तर में पड़ा हुआ दिखाई देता है। इस कारण से जैसा शरीर यथा कायस तथा सर्वम, जैसा शरीर इसी प्रकार सारा जो भी कुछ संस्कृत स्वप्न दिखाई पड़ता है, चित्त दृश्यम अवस्तुकम, अपने संस्कार से जो वस्तु दिखाई पड़ता है वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं। हमारी सृष्टि विचित्र थी, हमारी पूर्व की तो वासना के अनुसार जब हमको एक नया शरीर मिलता है, प्रश्न उठता है ना, देखो ये प्राण, प्रश्नोपनिषद प्राण शरीर में क्यों आता है, हमको क्या दिखाई पड़ता है, प्राण रहने के कारण मन फंक्शन कर पाते हैं। परंतु शास्त्र क्या बोलते हैं कि मन के संकल्प मनोसंकल्पे न आयाति अस्मिन् शरीरे, पूर्व जन्म में मन जैसा संकल्प किया था तद अनुकूल शरीर प्राप्त करने के लिए जिस मातृ शरीर में प्रवेश किया पंचोग आहुति के माध्यम से, उसमें प्राण प्रवेश होता है। क्यों प्रवेश होता है, वो मन के संकल्प से, मन संकल्पेन आयाति अस्मिन् शरीर, इसलिए प्राण तक दर्शन शास्त्र भी इसलिए बोलते हैं। प्राण भी कोई, हमें लगता है कि प्राण नहीं रहेगा तो मैं कैसे रहूँगा, परंतु श्रुति क्या बोलते हैं, अप्राण ही अमनाशुभ्र यक्षरात परत होगा, मतलब प्राण नहीं रहने से मैं नहीं रह पाऊंगा ये बात नहीं है, मैं रहने के कारण प्राण फंक्शन कर पा रहे हैं। प्राण नहीं रहेगा तो शरीर नहीं रहेगा, मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, मेरे को क्या बिगड़ता है प्राण के साथ क्या मतलब है। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए कि जो भी कुछ है चित्त दृश्यम अवस्तु का, जो भी कुछ चित्त दृश्य सारा कुछ भी पारमार्थिक नहीं है। बाहरी वस्तु तो ठीक है, अपने में जिस जहाँ पे हमने सत्यक तो बुद्धि दृढ़ कर रखा वहाँ पे बार बार टक्कर मारना चाहिए, वहाँ पे बार बार जो है विचार दृष्टि से वहाँ पे आघात करना चाहिए। अपने ही जागृत में बैठ करके और मैं प्राण रहित हूँ, प्राण चल रहा है परंतु आपका फीलिंग ना, जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में प्राण चलता रहता है परंतु हमें कोई बोध नहीं रहता, जागृत में यदि ऐसा स्थिति में आ जाता है तो आप जो है स्वरूप की अवस्था में। तो इसलिए आप में बोल रहे हैं कि यथा कायस तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, जिस प्रकार शरीर वो पारिभाषी का स्वप्न है उसी प्रकार चित्त के द्वारा जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सारा सारा अवस्तु अवस्तु है, मतलब कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पे जाएंगे, ठीक है टीका में ही देखिए, किंच यथा स्वप्ने देह मिथ्या, जिस प्रकार स्वप्न में शरीर मिथ्या है प्रातिभाषी का पारमार्थिक नहीं है, तथा चित्त दृश्यम जड़
सर्वम अवस्तु का मिथ्या भूतम ऐशितव्यम इति आह। ठीक उसी प्रकार से ये तो शरीर का मिथ्या, ये तो ठीक निश्चय हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो भी कुछ वस्तु अपने स्वप्न में देखा वो सारा मिथ्या ही है। इसलिए तथा चित्त दृश्यम, चित्त के माध्यम से जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं और वो सब जड़ होते हैं। चित्त दृश्यम जड़म सर्वम अवस्तु का वो पारमार्थिक नहीं है, मिथ्या भूतम मिथ्या रूप ही है। ऐशितव्यम ऐसा अभिष्ट होना चाहिए इति आह उसको मन में रखते बोलता है। यथा काय ये प्रतीक मंत्र का ही है, यथा काय तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम। यहाँ पे एक टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, 7 नंबर टिप्पणी है ना, कितना नंबर है 7 नंबर। चित्त दृश्यम, चित्त दृश्यम, देखिए चित्त दृश्यम तो बोला चित्त जड़, चित्त तो जड़ है, मन तो भौतिक है, वो क्या देखेगा, चेतन, चेतन के आश्रय। इसलिए टिप्पणी कार जो है वो चित्त दृश्यम जड़ मतलब चित्त दृश्य चेतन तत्व ही जो है सबको प्रकाशित करते हैं। वो चेतन से बोलते हैं चित्त दृश्य मतलब चित्त दृश्य में अर्थ अभिप्रेत है, चित्त अन्नित होकर के चित्त जो अभिव्यक्त करते हैं, चित्त चेतन से अन्नित होकर के चित्त जो अभिव्यक्त करते हैं वो सब मिथ्या ही होता है, क्योंकि वो दृश्य कोटि में आता है। अच्छा आगे देखिए इसी के ऊपर भाष्य के लिए टीकाकार लिखते हैं, पूर्वार्थ गतानि अक्षराणि योजयन्ति, मतलब श्लोक में जो है पूर्वार्थ मतलब स्वप्ने च अवस्तु कह काय पृथक अन्नस्य दर्शने, पूर्वार्ध होगी ठीक है ना। इस पूर्वार्थ में आये हुए पूर्वार्थ गतानि अक्षराणि, पूर्वार्थ में आये हुए अक्षरों को योजयन्ति भगवान भाष्यकर उसको अन्वय करके लिखते हैं, अर्थ करते हैं। स्वप्ने च भाष्य में अटन दृश्यते जह काय सो अवस्तु का, स्वप्न अवस्था में अटन, अट अर्थ होते टू रैम्बल है ना, तो अटन ये पार्टिसिपल है, अटत उसका प्रथम एक वचन है, क्षत्रिय अटत, तो अटन मतलब घूमते हुए, स्वप्न काल में अटन घूमते हुए जह काय अटन जह, ये तीनों नॉमिनेटिव सिंगुलर है, सह ये भी नॉमिनेटिव सिंगुलर है, स्वप्न का स्वप्ने मतलब स्वप्न काल में जह काय अटन दृश्यते, स्वप्न अवस्था में जिस शरीर को घूमते हुए दिखाई देता है, जिस शरीर को घूमते हुए दिखाई देता है ठीक है। स्वप्ने यह काय अटन दृश्यते स अवस्तु का, वो शरीर पारमार्थिक नहीं है, वो शरीर अवस्तु का, तत् अन्न साप देशस्थ पृथक कायांतरस्य दर्शनात्, क्यों अवस्तुक है, क्योंकि जो स्वप्न दिखाई दे रहा है दिख रहा है अन्न शरीर में, उसका एक दूसरा शरीर बिस्तर में लेटा हुआ दिखाई देता है, इस कारण से इसलिए बोलते हैं स्वप्ने च अटन जह काय दृश्यते स अवस्तुक, वो शरीर पारमार्थिक नहीं है, क्यों, ततः वो स्वप्न में दिखाई दे रहा है शरीर, ततः अन्नस्य दूसरा शरीर का, कौन सा शरीर, स्वाप देशस्थ जिस जगह पे रह करके स्वप्न देख रहे हैं, पृथक कायांतर एक दूसरा शरीर अंतर को अंतरस्य दर्शन दिखाई देने के कारण। ये हो गया आपका पहला लाइन का अर्थ। अच्छा फिर आगे बोल रहे हैं कि उत्तरार्थ गतानि अक्षराणि व्याकरति जी का कर, अगले सेकंड हाफ में जो आया हुआ है दुष्ट अर्थ भाग में जो आया हुआ है उसके अक्षर की व्याख्या करते हैं भगवान वास्तव। यथा स्वप्न दृश्य काय असन तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम जागरितेपि चित्त दृश्यत्वात् इति अर्थ। ये देखिए स्वप्न दृष्टांत को देख करके फिर जागृत को भगवान भाष्यकर जोड़ दिया, क्योंकि जागृत में भी जो भी कुछ आप दिखाई दे रहा है जन्मांतरीय चित्त के संस्कार से आपको दिखाई पड़ते हैं, मतलब वही भी हम ममत्व बुद्धि कर लेते हैं हमारे अनुकूल वस्तु में, चित्त क्या इतना समझना कि क्या भिन्नता हो रहा है, आप भी हिमालय को देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, गंगा सभी एक ही देख रहा है, देख एक होने पर भी तो सबका व्यवहार एक नहीं है, सबका व्यवहार एक नहीं है, तो वही व्यवहार ही हमारे बंधन के लिए हेतु होते हैं। इसीलिए आप ये बोलते हैं जथा जैसे स्वप्न दृश्य काय, स्वप्न में दिखाई दे रहा है जो शरीर स्वप्न दृश्य काय असन वो पारमार्थिक नहीं है, तथा ठीक उसी प्रकार सर्वम चित्त दृश्यम जितना भी स्वप्नों के काल में जो भी चित्त के द्वारा दिखाई दे रहा है वस्तु वो अवस्तु का वो पारमार्थिक नहीं है, वो पारमार्थिक नहीं है। अब यहाँ भी जागृत प्रपंच भी चित्त दृश्य होने के कारण वो भी पारमार्थिक नहीं है, स्वप्न प्रपंच में जो वस्तु दिखाई दे रहा है वो चित्त दृश्य होने के कारण वो पारमार्थिक नहीं है, जागृत प्रपंच में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो भी चित्त दृश्य होने के कारण वो भी पारमार्थिक नहीं है। ये अभिप्राय चित्त आप बोलेंगे इस सृष्टि में कैसे चित्त दृश्य, मतलब चित्त दृश्य मतलब अपनी मनोराज्य ईश्वर सृष्टि पाई वही बोला वो प्रतिबंधक नहीं है, जो इसमें कल बता रहे थे आपको ना, वो जो इसमें पंचदश में आया हुआ
इक्षण आदि प्रवेश अंतः सृष्टि ईश कल्पित, कल्पना दोनों जगह पे है, और प्रवेश करते क्या होगा जागृत आदि विमोक्षांत संसार जीव कल्पित, जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंध मोक्ष जीव कल्पना के मतलब जो प्रवेश किया वो प्रवेश करने के बाद देव रूप में वो उसके से कल्पना करता, कल्पना तो दो में ही है, इसीलिए आप बोलते हैं कि चित्त दृश्य अवस्तु कम जागृत अभी जागृत काल में भी वो चित्त दृश्य वस्तु पारमार्थिक नहीं है, क्यों चित्त दृश्यत्वा हमको हम लोगों को एक बहुत बड़ा मतलब झटका लगता है, हम अपने आँख से देख कर आया वो सही है, शास्त्र बोलता है इसीलिए वो मिथ्या है क्योंकि आपने आँख से देखा है ना, इंद्रियोगम्य वस्तु पारमार्थिक है, व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं, इस अभिप्राय से बोलते हैं। पांच नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ते हैं, कितना है वो कहा सं तथा सर्वचित्त दृश्यम अवस्तुकम है टिप्पणी, कितना नंबर पांच नंबर, मतलब अतात्विकम वो पारमार्थिक, तात्विक नहीं है, पारमार्थिक नहीं है, इतना ही है। अच्छा फिर एक प्रकरण अर्थम उपसंहरति, इस प्रकार से जो भी अभी तक कह कर आया उसको उपसंहार करते हैं भगवान भाग स्वप्न समत्वा असत जागरितम अपि प्रकरण अर्थ, स्वप्न की स्वाप्निक वस्तु में जो भी कुछ गुण अथवा दोष दिखाई पड़ता है जागृतिक वस्तु में सभी वही चीज गुण अथवा दोष बैठा हुआ है, इसलिए स्वप्न भी जागृत जागृत भी स्वप्नों के समान मिलता है, जागृत भी स्वप्न के समान मिलता है, स्वप्न समत्वा स्वप्न के समान होने के कारण असत जागरित असत जागरितम ये जो हो गया आपका प्रतिज्ञा वाक्य है, जागरितम असत स्वप्न समत्वात ठीक ना, जागरितम असत स्वप्न समत्वात ये हो गए इस प्रकरण की अर्थ, ठीक है ना, ये इस प्रकरण का भी प्रत्यर्थ यही है। अब उसके एक ये जो है आगे और एक चीज बहुत सुंदर दृष्टांत तो देंगे, आप एक चीज सोचो जिस प्रकार अब हम इसको बोलते हैं आपको ये पट दिखाई दे रहा है, इस पट को देख करके आप कार्यों को देख करके इसका तंतु क्या था आप अनुमान कर सकते हैं क्या ये तंतु पट भी तंतु आश्रित है और ये धागा भी तंतु आश्रित है, पट धागा का कार्य है, पट जो है धागा का कार्य है और ये तंतु आश्रित है, तो यहाँ से हम निर्णय कर सकते हैं कि पट जो पट ये कार्य को देख करके तो कारण कैसे होगा, कारण गुण मतलब ये तंतु भी इसी रंग का रहा होगा, ठीक है, तो अब जो है हम स्वप्नों को जागृत का कार्य मानते हैं, क्यों जागृत में जैसे जैसे वासना हुई वो हम तक उसको स्वप्न में देखते हैं, अब कार्य को मिथ्यात्व निश्चय करने में हमें कोई शंका भी नहीं हो रहा है, परंतु कार्य में तो वही गुण रहेगा जो कारण में है, ठीक है, यदि यहाँ पे मिथ्या निश्चय होगा तो यहाँ पे मिथ्या किसमें क्यों निश्चय कर सकते हैं, ये लॉजिक अभी यहाँ पे दे रहे हैं, इतना अलग अलग स्वाप्निक वस्तु संबंधित जो कमियां है उजागृत में दिखा करके अब कह रहे हैं स्वप्नों को मिथ्या निश्चय करने में कोई भी व्यक्ति हिचकिचाते नहीं है, और यदि आप ये मानते हो कि स्वप्न जागृत का कार्य है, सभी व्यक्ति का अलग अलग स्वप्न है, ध्यान देना अब यहाँ से एक जगह और ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, हम सोचते हैं कि हम तो सभी एक जागरण को देख रहे हैं, परंतु यदि सभी एक ही जागरण को देखते तब एक ही स्वप्न सभी देखते, परंतु एक स्वप्न सब नहीं देखते, यानी कि जागृत में हमारी दृष्टि एक होने पर भी दृष्टि के साथ जो भावना जाती है वो भिन्न होने के कारण वो स्वप्न के लिए हेतु बन जाती है, तो फल तो सभी व्यक्ति अलग अलग वही बंद अलग अलग स्वप्नों देखते हैं, इसीलिए जो हम लोग सोचते हैं कि सभी को तो एक ही वस्तु दिखाई दे रहा है स्वप्न में तो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो इसको मिथ्या बोलना आसान है, ये तो मिथ्या नहीं है, थोड़ा गहराई से जगह जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ भी हम अलग अलग ही देख रहे हैं, तभी जा करके अलग अलग कार्य स्वप्न दिखाई पड़ रहे हैं, वो बाहर से समझ में नहीं आ रहा है, हमने भी हिमालय को देखिए मान लीजिए हमने तपोवन घूमने गया तो गंगू घूमने गया, सभी गए घूमने एक ही सभी व्यक्ति गए सभी को अच्छा लगा, परंतु उस अच्छा की मात्रा और किस प्रकार की अच्छाई कहाँ पर अच्छाई सभी व्यक्ति का लगे सही व्यक्ति का है कि नहीं, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ भी ये चीज यहाँ पे समझाने के लिए अगला श्लोक आ रहा है, अगला श्लोक को यहाँ पे बोलने के लिए बोल रहे हैं, देखिए यथा जागृतम तथा स्वप्न गृह्यते, जैसा जागृत है ऐसे स्वप्न अवस्था भी है, ठीक है ना, तो अब हम केवल श्लोक को ही पढ़ सकते हैं, कल जो करते करेंगे वो श्लोक को पढ़ लेते हैं, ग्रहणात् जागरितवत्तत् ग्रहणात् जागरितवत्तत्
हेतु स्वप्न इष्यन तद्धेतु स्वप्न इष्यते तद्धेतु स्वप्न इष्यते तद्धेतुत्वात्तु तस्यैव तद्धेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते सज्जागरितमिष्यते ग्रहणाज्जागरितवत् तद्धेतु स्वप्न इष्यते तद्धेतुत्वात्तु तस्यैव सज्जागरितमिष्यते। थोड़ा पटपटा भी है यहाँ पे, क्या बोलते हैं तत् हेतु स्वप्न इष्यते, तत् जागरित हेतु, जागृत हेतु है स्वप्नों का, है ना, ग्रहणात् जागृत बात, क्योंकि जागृत के समान ग्रहण होता है, जागृत में जैसे हमने ग्रहण करने वाला ये ग्राह्य वस्तु एक ग्रहण व्यापार हो रहा है, स्वप्न में भी ऐसा ही हो रहा है, स्वप्न में भी ऐसे व्यापार होता है, ग्रहण करने वाला ग्रहण योग्य वस्तु और ग्रहण कर व्यापारी होता है। इसीलिए तद हेतु मतलब जागृत हेतु है, तद ये स्वप्न का भीषण है, ये स्वप्न तद हेतु स्वप्न जागृत हेतु वाला जो स्वप्न है वो जो है वो ऐसा अभिष्ट है हमारा, क्यों जागृतवत ग्रहणात् जागृत के समान उसका ग्रहण व्यापार होता है। इसलिए तद हेतुत्वात् अब क्या हुआ, वो जागृत उसका हेतु होने के कारण, जैसा सभी व्यक्ति का स्वप्न अलग अलग होता है, ध्यान देना सभी व्यक्ति का जागृत भी अलग अलग होगा। जो हम सब बोलते हैं कि जागृत में तो हो एक ही वस्तु दिखाई देता है सबको, एक दिख रही सत्य है, ये नहीं है, थोड़ा सूक्ष्मता के साथ विचार करोगे तब पता लगेगा, तब पता लगेगा। इसलिए बोलते हैं तद हेतु तत्व तस्यैव सद जागृत मिति शक्ति, जो व्यक्ति जैसा स्वप्न देखता है उसको इतना ही हिस्सा जागरण में उतना ही सत्य दिखता है, बाकी से उसका मतलब नहीं रहता है। जितना भी ममत्व बुद्धि बैठा हुआ है, जित एक ही वस्तु दुकान में पड़ा था, आपने सोचा था खरीदेंगे, परंतु आपने खरीद नहीं पाया क्योंकि बैंक बंद हो गया था अथवा ATM काम नहीं किया, और उसी समय उस दुकान में आग लग गई, किसी निमित्त से जल गया, अच्छा हुआ, मतलब क्या उस समय जो क्या हुआ कि यदि अपने घर में लगता और जल जाता तो अच्छा हुआ मैं नहीं खरीदा, और दुकान में लग गया तो कोई बात नहीं, मतलब जब तक वहाँ पे नहीं लाया अपने पास तब तक ममत्व बुद्धि नहीं होती, तब तक वो कुछ भी हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता, जहाँ हमने लाया वहीं से हमारा फर्क, ये हेतु बदल जाता, तद हेतु तत्व तद से ही बसा जागृत मिश्रति। यहाँ पे जो है चार टिप्पणी बंद छोड़ देंगे यहाँ पर, कल करेंगे ये थोड़ा सा, इसमें भी थोड़ा सूक्ष्म विचार दिखाएंगे, क्या सूक्ष्म विचार दिखाएंगे, जैसे हम लोगों में दृढ़ बैठा हुआ है कि हम सभी में तो जागृत एक ही दिखाई दे रहे हैं, तो सबका जागृत एक नहीं, पहले ये सिद्ध करेंगे, बोलो सपनों देखते हो जागृत के अनुसार, बोलते हाँ, यदि सभी व्यक्ति एक ही जागृत को देखते हैं तो सभी के सपने अलग अलग कैसे होते, यानी कि सभी व्यक्ति का जागृत भी अलग अलग है, इसलिए भी मिलते हैं तो भी मिलते हैं। कितना युक्ति लगे मंद को कारिका कर बताइए, सपन सिद्ध कर, ठीक है। आज दूसरा वाला पढ़ेंगे, प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद नाम भूतानि आलोक्यमग्नानि अविरत जनन ग्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुर्गधारामृतमिदं मम हरिः दुर्लभभूतयेतो यस्तत्पूज्याभिपूज्यं परमं गुरु मम पादपादेन तोऽस्मि। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये सर।